नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप सबको पता ही है। सब लोगों के मोबाइल में, हाथ में मोबाइल होते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट रोज आती रहती हैं। कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, खास तौर से अगर सुंदर लड़की की डीपी लगी हो, फोटो लगी हो, उसकी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो। जी हाँ, और आजकल लोगों के किस्मत भी खुलने लगी है भाई, इंटरनेशनल दोस्ती ज्यादा होने लग गई है। आप सबको पता, आए दिन आप न्यूज सुनते रहते होंगे। जी हाँ, ये राजस्थान के बता दूं जयराम है, उनकी भी एक किस्मत लॉटरी खुल गई थी। इंग्लैंड की लड़की ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, एक नॉर्मल सी अगर सोचें तो। अब भाई ने क्या किया कि भाई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, आपस में चैट होने लगी, फिर आप थोड़ा सा पक्के दोस्त बनने की कगार उधर पहुंचते हैं, तो फिर पर्सनली नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर पक्के फ्रेंड बन गए तो भाई लड़की का दिल आ गया कि ले भाई मैं तो खुश हो गई तेरे से, और इंडिया भी मुझे आना है, मैं तुझे 50 लाख रुपए के गिफ्ट भेजने वाली हूँ। जी हाँ, और भाई बंदी ने क्या किया, दिल दिखाते हुए अपनी बात को रखते हुए 50 लाख रुपए के गिफ्ट भेज दिए, और बंदे के पास में बता दूं एयरपोर्ट से फोन भी आ गया। जी हाँ, कि भाई आपका जो माल है वो फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ज्यादा है, इसका आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। टैक्स की सुन लीजिए बात, टैक्स कैसे लगता है टैक्स, देखिए एयरपोर्ट टैक्स के नाम से, फॉरेन टैक्स के नाम से, सर्विस टैक्स के नाम से, वकील फीस के नाम से, जी हाँ कोरियर सर्विस के नाम से, अलग अलग तरीके से बंदे से बता दूं लगभग 10 लाख रुपए ले लिए गए। जी हाँ, 2 अकाउंट नंबर दिए गए इंडिया के, और उस अकाउंट में बंदे ने पैसे डाल दिए। अब सोचने की बात है, जी हाँ, जैसे ही पैसे 10 लाख रुपए आए, इंग्लैंड की लड़की ने टाटा बाय बाय करके ब्लॉक मार के गायब हो गई। पता ही नहीं लगा जयराम को कि लड़की गई कहाँ। जी हाँ, 3 साल के बाद में अचानक वो लड़की सामने पहुंच जाती है। जी हाँ, और वो भी पुलिस कस्टडी में। अब बंदे को जैसे ही लगा कि हमारे साथ ठगी हुई है, धोखा हुआ, तो वो पहुंच गए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि इस तरह से मेरे साथ ये हुआ, तो पुलिस FIR दर्ज हो गई। अब FIR दर्ज होती है तो भाई पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, 6 साल 2 साल 3 साल लग जाए, मामला पेंडिंग पड़ा रहता है, ऊपर से दबाव होता है, फाइल निपटाओ तो वो फिर उसको जाना पड़ता है पुलिस को। तो भाई अब देखिए, पुलिस ने इसकी छानबीन की तो पता लगा कि भाई जो 2 अकाउंट नंबर दिए गए थे ना, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें अभी भी लेन देन चल रहा है 3 सालों में। बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बता देते हैं, क्योंकि ये मेट्रो पुलिस का आदमी को पुलिस वाले, बैंक वाले नहीं बताते, इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप पर्ची लेके पहुंच जाएं। लेकिन जब FIR की कॉपी विद एविडेंस पुलिस अगर पहुंचती है, कोई सीनियर अधिकारी पहुंचता है, तो पुलिस वालों को बताने की जिम्मेदारी होती है, तो उन्होंने बता दिया। तो वो अकाउंट निकला पश्चिमी बंगाल कोलकाता का। जी हाँ, 45 साल की सोमा शाह फोटो में देख सकते हैं, ये ही इंग्लैंड की बंदी थी जो अपने घर में बैठ के इंग्लैंड की महारानी बन के बंदे को 50 लाख रुपए के गिफ्ट भेज रही थी। अब पुलिस ने वो एड्रेस निकाल के, भाई पुलिस पहुंच गई उसके घर, सीधा पुलिस घर पहुंच गई, वो बंदी घर पे बैठी थी, पुलिस ने उसको उठा लिया, कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आ जाओ जी साथ में। तभी बता रहा हूँ, 3 साल के बाद में पुलिस कस्टडी के साथ में वो उसी के शहर जयपुर राजस्थान में पहुंच गई। जी हाँ, तो ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ये देखिए यार हद होती है, सीधा सीधा लालच है, लेकिन आप आदमी को समझ में नहीं आता कि यार क्या हो रहा है अपने साथ में। उस टाइम वो लालच इतना ज्यादा घर कर जाता है कि बंदे की जो बुद्धि है ना वो भ्रष्ट हो जाती है, वो उसको 50 लाख दिखते हैं, 50 लाख के सामने 10 लाख तो उसको छोटी सी रकम लगती है, समझ रहे हैं। तो ये एक गलत फहमी में शिकार आप लोग हो रहे हैं, ज्यादातर मामलों में देखा जाता है, आप सब लोगों को पता है। तो ऐसी अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड ये मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, आजकल व्हाट्सएप पे भी आने लगे, फेसबुक तो दूर हो गया, तो इन चीज़ों से बचने की सख्त ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे आपको ब्लैकमेलिंग का सिस्टम, वीडियो कॉलिंग से जो न्यूज़ इमेज दिखा के ब्लैकमेल करने का, ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है आजकल, तो भाई सावधानी बरत लें, वरना इज्जत भी जाएगी, इज्जत का फालूदा समझते हैं ना क्या होता है, राजस्थानी लोग भाई गर्मियों में खाते हैं फालूदा, इज्जत का फालूदा हो जाएगा और आपका आपका जो पैसा सब कुछ चला जाएगा, ये समझ लो, फिर आप अखबार में आना क्या है ये, इन चीज़ों से बचें। आप अब भी अगर अनजान लड़की खास तौर से आपको ऐसा कुछ मैसेज, टेक्स्ट या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है ना, हाथ जोड़ ले, फायदे में रहोगे, क्योंकि साहूकार लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं, उनके पास है ना, उनको जरूरत नहीं है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की। हमेशा ध्यान रखिए, आप में ऐसा क्या है कि वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, आप खुद सोच लें इस बात को कि कोई लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, ऐसा क्या है भाई आप में कि लड़की आपकी फ्रेंड बन के क्या ले लेगी वो आपसे, समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ वही लड़कियां करती हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे पैसा ऐंठने का तरीका है, और गरीब लोग भी पैसा देते हैं, ऐसी बात नहीं है।
आ जाती है लड़कियों की फ्रेंड, वो लाख दो लाख रुपए मार लेते हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं। बहुत सारे बंदे तो डर के मारे चुप हो जाते हैं कि पुलिस में जाएंगे, अखबार में नाम आएगा, फोटो आएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, कि लड़की के चक्कर में पैसे कमा दिए, समझ रहे हैं। तो मैं बता दूं 90% लोग पुलिस स्टेशन ही नहीं पहुंचते, 10% ऐसे लोग होते हैं जो साहस करके पहुंच जाते हैं। जी हाँ, एक और वीडियो बनाएंगे हम राजस्थान का, नेक्स्ट एक दो दिन में आ जाएगा, वो भी आप देखिएगा। बस ये अपडेट देना था साथियों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, साथियों को भी सतर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।